और रायपुर से हैं जहां पर भूपेश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए पंचायत चुनाव अप्रत्यक्ष माफ कीजिएगा प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अब साक्षर ही पंच सरपंच का चुनाव लड़ सकेंगे। पहले सरपंच के लिए आठवीं पास और पंच के लिए पांचवीं पास होना जरूरी था। इसके पहले ग्राम पंचायतों के सरपंच के चुनाव भी अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जब से ये खबर बाहर आई है तब से लगातार गांव में इसे लेकर विरोध होने लगा है। यहां पर जन चौपाल तक में आवेदन लेकर पहुंचने वाले कई लोगों ने सीएम से सरपंचों के चुनाव सीधे कराने की मांग भी रखी थी। आमंत्रण की जानकारी हम अपने विभाग के सचिव के माध्यम से सभी जो दूतावास है उसके माध्यम से हम कई देशों सार्क देशों को भी आमंत्रित करने के लिए उनको कहा है। दिसंबर के आखिरी में होने